ये मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं, इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। और इसका सालन समझिए या तो इसका आप अचार समझ लें, बस कुछ बना रही हूँ। अचार भी इसको बोल सकते हैं, इसको सालन भी बोल सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको ये कैसे बनेगी, बड़ी मज़े की बनती है, बिल्कुल अचार नमा बड़ी टेस्टी होती है। ये भी कलौंजी भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, आप देख सकते हैं कलौंजी इसके अंदर थोड़ी सी डाल देंगे। ये मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया और थोड़ी सी इसमें मैंने राई डाल दी। ज़ीरा राई और ये मैंने सौंफ है और ये नमक, सौंफ और नमक जो है ना मैं साथ ही डालूंगी इसमें। और सूखा धनिया, सूखा धनिया भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अगर मिर्च तीखी नहीं है तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, हरी मिर्च अगर आपकी तेज़ नहीं है तो आप लाल मिर्ची डाल सकते हो। क्या हुआ देख सकते हैं, इसको बस मैं हल्की आँच पर छोड़ूंगी। देवी इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है, और सौंफ को जो ना दरदरा सा पीस लेना है। तो अच्छे से देखो, ये भी मैं इसको थोड़ा सा दम पे छोड़ूंगी, दिखाती हूँ मिक्स करके अच्छे से। बड़ी मज़े की मिर्च बनती है ये, आप इसके अंदर नींबू निचोड़ कर खा सकते हो, बड़ी टेस्टी बनती है, रखना चाहो तो रख भी सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई ख़राब नहीं होगी मिर्च। ये देखिए जी, मेरी मिर्च बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप इसको सालन भी बोल सकते हो और अचार भी बोल सकते हो, लेकिन बड़ी टेस्टी होती है, बड़ी मज़े की होती है। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक? ये है मिर्ची का अचार या सालन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और जी ये मैंने बनाया है और आप लोग भी बनाइएगा, और बनाकर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा बना, अच्छा बना, बुरा बना, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो ये मैंने बनाया है, बड़ा मज़े का, बड़ा टेस्टी, इसके अंदर नींबू का रस डालकर खाएं, बड़ा मज़े का था, इसकी क्या खुशबू थी, वाह दिल खुश हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।